बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री केसीआर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन सबसे काला दिन है। राहुल को सांसद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करना मोदी से अहंकार और तानाशाही का पराकाष्ठा है। मोदी सरकार ने न केवल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया बल्कि अपने जघन्य कार्यों के लिए सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच सांसद का भी इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि संवैधानिक मूल्यों पर लोकतंत्र की पकड़ ढीली हो गई है। उन्होंने कहा कि मोदी का शासन आपातकाल से भी आगे जाएगा। विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न एक दिनचर्या बन गया है। उन्होंने आलोचना की कि विपक्षी नेताओं को अपराधियों और झूठे लोगों के लिए अयोग्य ठहरा कर मोदी के पतन का कारण बन रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश मामलों के प्रभारी मानिन राव ठाकरे ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने की कड़ी निंदा की है और ये लोकतंत्र के काले दिन है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों का राहुल गांधी में विश्वास देखकर बीजेपी मोदी से डर गई है। जो कानून को मानने वाली है इस देश में, जो डेमोक्रेसी है उसको पूरी तरह खत्म करने की कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है। ये सभी देश देख रहा है, सुन रहा है कि देश में क्या हो रहा है। एक कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेता जिन्होंने जनता की समस्या के लिए 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जिन्होंने निकाले, इसी से परेशान बीजेपी है। पूरे देश में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ माहौल हो रहा है। इसी कारण पूरी बीजेपी बौखला गई है और उन्होंने राहुल जी को पूरी तरह दबाने के लिए उस तरीके से उनको ना उम्मीद करने के लिए जो जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई है, संसद ने उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिया है वो पूरी तरह कानून के संविधान के खिलाफ है। राहुल जी डरने वाले नहीं है। आप सभी को पता है कि राहुल जी ने पूरे देश की जनता को कहा है कि डरो मत। आज राहुल जी इसके ऊपर अटल है, लेकिन स्पीकर ने जिस तरीके से दबाव में, बीजेपी के दबाव में, केंद्र की सरकार के दबाव में जो डिसीजन दिया है वो सारा सा पूरी तरह गलत है। क्योंकि हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन के बारे में वो 3 महीने तक हाईकोर्ट जा सकते थे और 3 महीने तक अगर वो सजा सुनाई नहीं जा रही है तो क्या मतलब बनता है कि पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी की सदस्यता बर्खास्त की जाए। तो पूरी तरह ये संविधान की कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, इसका हम जोर शोर से विरोध करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव गुस्से में थे। सूरत जिला अदालत ने उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई लेकिन 30 दिन के बाद जमानत भी दे दी। उन्होंने पूछा है कि ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है जबकि अभी 30 दिन ही बाकी है। ये फंडामेंटल देश नहीं है, डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ पर जो भी स्पीकर निर्णय लिया उनको पार्लियामेंट से आउट करने का मतलब है ये सिर्फ बीजेपी का सोच है, नागपुर का सोच है, आरएसएस वाले राहुल गांधी को खत्म करने को देख। जैसा राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक फिरे, 4000 किलोमीटर फिरे, उसके बाद उनका इमेज बढ़ रहा। आवाम से पूछा ये 8 साल में आपको क्या क्या फायदा हुआ, इलेक्शन में वादे करे सो पूरे करे क्या, नौकरियां मिले क्या 2 करोड़, 8 साल में 16 करोड़ नौकरी आना वो नहीं मिले, और डिमोनेटाइजेशन करके 1000 नोट निकाल के 2000 नोट बनाए और पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर रहे, अदानी अंबानी लोगों को कर रहे, और ऊपर से आज अभी कोर्ट का निर्णय ही नहीं हुआ, 2 साल सजा बोले उसके बाद 30 दिन का टाइम दिए उन्हें अपील करने का। उससे पहले कैसा स्पीकर उनको बहिष्कार करता, बाहर भजा देता, उनका MP खत्म करने की कोशिश कर रहे, तो ये आवाम में रोज जलन। इससे पहले भी इंदिरा गांधी के ऊपर भी ऐसी करने से
77 के बाद 1980 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी, अभी भी वही मेजोरिटी आएगा। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनता बोल के उन लोग कर रहे, इससे आवाम में जोश और गुस्सा बढ़ गया। राहुल गांधी क्या बोला, द्वेष बढ़ा विद्वेष बढ़ाना नहीं, प्रेम करो बोला। आज फिर विद्वेषों का काम कर रहे, ये आरएसएस का काम है। राहुल गांधी को उनका फैमिली को खत्म करने को देख रहे। कल हम कांग्रेस ऑफिस में मानिक राव ठाकरे का मीटिंग होगा, उसमें निर्णय लेके गांधी जयंती के तरह हम भी प्रोग्राम देंगे, गांव गांव जाएंगे, आवाम को बताएंगे क्या गलती करे। इससे पहले लोग पार्लियामेंट मेंबर रह के हिंदू की बात करें और किसी का सर निकाल दिए तो हम करोड़ रुपए देते, कभी करे ऐसे एमपीएम को भी कुछ नहीं करे। उन्हें खाली मोदी का नाम से लेके मेरे को ही बोले बोल के कैसा, मेरा नाम हनुमंत राव है, राव वाला कोई भी करे तो हनुमंत राव क्यों डरना भाई। ये साजिश क्यों चल रहा है, इस साजिश के खिलाफ हम मुकाबला करेंगे, डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं है, मरे दम तक इस इश्यू को आगे ले जाएंगे, आवाम के खिदमत में रहेंगे, आवाम के सुख दुख में काम करेंगे, काम करेंगे, काम हम इसको कंडेम कर रहे हैं। नमस्कार। जगह रेड्डी ने सांसद के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता पर प्रतिक्रिया दी है और यह एक राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के परिवार को देश की राजनीति में शामिल होने से रोकने के लिए भाजपा ने शुरू से ही साजिश रची है। अदालत के फैसले को एक अवसर के रूप में लेते हुए कि राहुल गांधी भविष्य की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का सामना नहीं कर पाएंगे, अगामेघा पर राहुल गांधी का अयोग्य करार दिया है। जगह रेड्डी ने सांसद के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता पर प्रतिक्रिया दी है और यह एक राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के परिवार को देश की राजनीति में शामिल होने से रोकने के लिए भाजपा ने शुरू से ही साजिश रची है। अदालत के फैसले को एक अवसर के रूप में लेते हुए कि राहुल गांधी भविष्य की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का सामना नहीं कर पाएंगे, अगामेघा पर राहुल गांधी का अयोग्य करार दिया है। वेतन पुनरीक्षण आयोग पीआरसी को लागू करने की मांग को लेकर तेलंगाना बिजली विभाग के कार्यरत कर्मचारियों के सड़क पर उतरने के जाने के बाद खैरताबाद पंजगुट्टा क्षेत्र में तनाव फैल गया है। कर्मचारियों द्वारा वेतन पुनरीक्षण के साथ कारीगर श्रमिकों के मुद्दों के तत्काल समाधान की मांग को लेकर खैरताबाद में विद्युत सौदा के पास कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर धरना देने के बाद जंक्शन को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। कर्मचारियों ने पिछले साल अप्रैल से वेतन पुनरीक्षण की घोषणा की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। हालांकि पुलिस ने क्षेत्र में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक और लड़ाई के लिए तैयार है। इसके साथ ही पुलिस ने आज ही और कल परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। टीएसपीएससी का पेपर लीक होने के मामले में उस्मानिया ने छात्र आक्रोशित है और आज और कल छात्रों ने लीकेज के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आर्ट्स कॉलेज के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। उधर वीवी प्रशासन का कहना है कि दीक्षा की अनुमति नहीं है। ओयू पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि अगर पहल की गई तो मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि छात्र संघों का कहना है कि वे हड़ताल हर हाल में करेंगे। सत्ता पक्ष और छात्र संघ चेतावनी दे रहा है कि वे विपक्षी नेताओं को परिसर में आने से रोकेंगे। क्रांतिकारी वाम छात्र संघों ने विपक्षी नेताओं को आगमन का स्वागत किया है। छात्र टीएसपीएससी के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। छात्र न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों को ओयू पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। जल गिरफ्तारी से ओयू के कुछ छात्र नाराज हैं। ओयू सुरक्षा ने परिसर के सभी गेट बंद कर दिए हैं। बीआरएसवी नेताओं ने डीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी के बेरोजगारी मार्च को समर्थन देने पर नाराजगी जताई है। यह घोषणा की गई है कि रेवंत रेड्डी को ओयू से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ओयू में प्रवेश के योग्य नहीं है। रेवंत रेड्डी ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे लोक सेवा आयोग के मुद्दे को रोकना चाहते हैं और राजनीति के लिए उस्मानिया में प्रवेश करना चाहते हैं। तेलंगाना आंदोलन के दौरान आंध्र के नेताओं की कोहनियां पी चुके रेवंत रेड्डी अब पूछते हैं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कदम कैसे रखेंगे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को किसी भी हालत में ओयू में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अतीत में नागम जनार्दन रेड्डी का जो हश्र हुआ था वही हश्र रेवंत रेड्डी का भी होगा। पहले उस्मानिया के छात्रों की बियर और बिरयानी से तुलना कर उनका अपमान किया जाता था। अब वे यह कहकर निशाने पर आ गए हैं कि किस मुंह से आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी का पुतला जलाने की कोशिश करने वाले बीआरएसपी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
हैदराबाद शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी ने कई फैसले लिए हैं। सड़कों के सुधार, तालाबों के विस्तार और हरियाली को मंजूरी दी गई। जीएचएमसी की स्थायी समिति की बैठक में 23 मदों को मंजूरी दी गई है और उन्होंने सड़कों के विस्तार के अनुरूप बड़ी संपत्ति के अधिग्रहण को हरी झंडी दे दी है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। नगर महापौर गढ़वाल विजयलक्ष्मी की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में आयुक्त डीएस लोकेश कुमार, ईवीडीएम के निदेशक प्रकाश रेड्डी, ईएनसी जियाउद्दीन सी देवानंद और अतिरिक्त आयुक्त मौजूद थे। इस बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत वे कच्ची बावली से शेरलिंगमपल्ली जोन तक ब्रह्मकुमारी सरल 20 में सेंट्रल मीडियन के सौंदर्यीकरण के लिए अपने स्वयं के धन से 3 साल के लिए गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का प्रबंधन करने के लिए आगे आए हैं। समिति ने आयोजकों के साथ शेरलिंगमपल्ली के जोनल आयुक्त के साथ एक समझौता ज्ञापन करने की अनुमति को मंजूरी दी है। सड़क विकास के अंतर्गत खांजा मेंशन फंक्शन हॉल अप्रोच रोड से अहमदनगर धनबाला रेजिडेंसी से सरोजनी देवी रोड तक 18 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण के लिए 178 संपत्तियां एकत्रित की जाएगी। मुख्य परीक्षक लेखा समिति ने दिसंबर 2022 के आय व्यय की जानकारी दी एवं स्वीकृत किया है। कहा जाता है कि हेरिटेज बिल्डिंग से भारतीय विद्या भवन तक, हेरिटेज बिल्डिंग से किंगकोटी तक और सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज से वापस किंगकोटी तक प्रस्तावित सड़क को चौड़ा करने के लिए 29 संपत्तियों का आग्रह नहीं किया गया है। एनआईए से लेकर डीसीसी क्रिकेट ग्राउंड तक सड़क की चौड़ाई के साथ साथ 14 संपत्तियां इकट्ठी की जाएगी। रेन बाजार चमन ने अनमोल होटल फतेह नगर जंक्शन तक 30 चौड़ी सड़क के लिए 136 संपत्तियां जुटाई गई। चंद्रयान गुट्टा डाकघर से गुर्रम चेरबुवाया और उमर मजीद से चर्च तक सड़क की चौड़ाई के बारे में सरकार को सूचित करें और मास्टर प्लान जोड़े और 162 संपत्तियों को इकट्ठा करें। कुकटपल्ली में उषा मुल्लापुरी रोड के कुकटपल्ली एलम्मा बंडा होते हुए गाजुला रामारम तक 30 मीटर चौड़ी सड़क पर 332 संपत्तियों का अधिग्रहण। पीली दरगाह सलाम से नबिल कॉलोनी कलवर्ट जीएचएमसी लिमिटेड तक प्रति सड़क चौड़ाई 102 संपत्तियां। गोदावरी होम्स के माध्यम से पाइपलाइन से लिंक रोड के बीच कुतुबुल्लापुर रोड से 18 मीटर सड़क को सरकार को अधिसूचित किया गया है और मास्टर प्लान में शामिल करने के लिए 68 संपत्तियों को इकट्ठा करने की मंजूरी दी गई है। कलवारी मंदिर से हाफिज पेट मंजूरा पाइपलाइन प्लांट रोड तक 24 मीटर सड़क चौड़ाई और कब्रिस्तान से बॉम्बे हाईवे तक 2 बेडरूम घरों के माध्यम से हाफिज पेट तालाब तक 18 मीटर सड़क चौड़ाई पश्चिमी तरफ, मेडिकुंटा तालाब से राष्ट्रीय राजमार्ग 9 बम्बई के माध्यम से मातृ श्रीनगर सड़क चौड़ाई 1,298 मीटर की है। महापौर ने 598 लाख रुपए की लागत से सरोनगर सीरियल विजयपुरी कॉलोनी रोड नंबर 2 से SRL कॉलोनी तक स्टाम्प वाटर नाला के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करने की प्रशासन की अनुमति को मंजूरी दे दी है। प्रशासन ने राजेंद्र नगर डिवीजन के मुलगढ़ चेरू में 300 लाख की लागत से डायवर्जन कार्यों के निर्माण के लिए टेंडर बुलाने की अनुमति दे दी है। शेरलिंगमपल्ली ने 263.5 लाख की लागत से मदीनागुड़ा में अल्लाह तालाब के सीवेज डायवर्जन और बाढ़ लगाने के कार्यों को करने के लिए निविदा आमंत्रित करने की अनुमति दी है। कुकटपल्ली अल्लामा तालाब से सीवेज डायवर्जन के निर्माण के लिए 274 लाख प्रशासन ने निविदा आमंत्रित करने की अनुमति दी है। प्रशासन ने 257 लाख की लागत से सीवेज डायवर्जन के लिए पुपलगुड़ा गांव भगीर थम्मान तालाब के निर्माण के लिए एक निविदा स्वीकृत की है।
सरूनगर गांव के बड़े तालाब पर चेक डैम बनाने के लिए प्रशासन द्वारा 299 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है और पूर्व में सीएसआर के तहत तालाबों के जीर्णोद्वार में 9 एजेंसियां रुचि ले रही थी। वर्तमान में ये एजेंसियां रुचि नहीं दिखा रही है। आयुक्त ने 3 नई एजेंसियों को तालाबों के जीर्णोद्वार के लिए MOU स्वीकृत किया है। साथ ही स्थायी समिति ने प्रशासन को 241.80 लाख रुपए की राशि से सनत नगर KLNY पुल जीर्णोद्वार कार्य की स्वीकृति दी है। सीएसआर के तहत मार्च 2023 से फरवरी 2026 तक कोंडापुर गार्डन, बोटनिकल गार्डन से मजिदा बंडा से चिरेक इंटरनेशनल तक सेंट्रल मीडियम ट्रैफिक आइलैंड के निर्माण के लिए जोनल कमिश्नर को MOU की मंजूरी। सीएसआर के तहत उन्होंने DLF फाउंडेशन के अपने फंड से मार्च 2023 से फरवरी 2026 तक जयभेरी एंक्लेव से DLF साइबर सिटी वाया रेडिसन होटल द ग्रीन बेल्ट की स्थापना के लिए जोनल कमिश्नर को MOU को मंजूरी दी। टेबल आइटम के तौर पर SRDP ने कहा, पुराने छतरी खाना पुलिस स्टेशन से उपगुड़ा महाकाली मंदिर तक 2.50 करोड़ रुपए की लागत से 60 फीट सीसी रोड के साथ फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा। उस्मानिया विश्वविद्यालय के NCC गेट पर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने KCR का पुतला फूंका है। हैदराबाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोता रोहित ने विरोध कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के परिसर में घुसने की कोशिश की गई है। उस्मानिया विश्वविद्यालय के NCC गेट पर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने KCR का पुतला फूंका है। हैदराबाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोता रोहित ने विरोध कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के परिसर में घुसने की कोशिश की गई है। BJP विधायक रघुनंदन राव ने कहा है कि सीएम KCR ने चुनाव की खातिर फसल नुकसान का नया ड्रामा शुरू कर दिया है। दिया भट्टा ने कहा है कि KCR जिन्होंने पिछले दिनों भारी बारिश के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों को मुआवजे की घोषणा नहीं की थी, ने एक बार फिर किराएदार किसानों के रूप में एक नई धुन निकाली है। रघुनंदन राव ने मांग की है कि KCR जो दावा करता है कि केंद्र धन नहीं दे रहा है, केंद्र के धन पर एक श्वेत पत्र जारी करें। 2014 से आज तक NDRF 2014 से जून 2 तारीख जिस दिन तेलंगाना राष्ट्र नया राज्य बना इस देश में, उस दिन से लेकर आज तक NDRF का कैटेगरी के अंडर इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 3000 करोड़ रुपए तेलंगाना स्टेट के लिए भेजा है। वो 3000 करोड़ रुपए कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा फार्मर को, कौन सा मंडल में कब बांटे, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द फ्लड्स, हैदराबाद में आए सो फ्लड्स को कितने पैसे आए, आप लोग 10,000 दे तुम बोल के बोला था GHMC इलेक्शंस के पहले, कितने लोगों को दिया, कितने लोगों को नहीं दिया। नहीं तो 17 जुलाई 2022 में आप एक बार ऐसे ही 3 जिलों में घूम के 10 लाख एकड़ों में फार्मर्स को नुकसान हो गई। वो 10 लाख एकड़ों में फार्मर्स को जो नुकसान हुआ उन लोगों को 10,000 दे तुम बोल के एक स्टेटमेंट देखा है आप। आज तक 17 जुलाई 22 से लेकर आज तक आप कितना लोगों को बांटे, आप कुछ वाइट पेपर रिलीज करने के लिए तैयार है क्या बोल के मैं ये स्टेट गवर्नमेंट को डिमांड कर रहा हूँ। वैसे ही कल जो आप गई 3 जिले में आके इधर उधर फिर के आया, आज बारिश खत्म हो गई, नेक्स्ट डे CM साहब गई, ये खुद अनाउंस किया 2,22,000 एकड़ों में नुकसान हो गए बोल के। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कौन सा ऑफिसर गई, कौन सा जिले में फिरे, कौन सा मंडल में फिरे, कहाँ है रिपोर्ट, कौन सा कलेक्टर रिपोर्ट दिया, कौन सा चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट मिला, ऐसा खाली इलेक्शन स्टंट के लिए। इसके पहले आप जो बोला था हमारा स्टेट में टेनेंट फार्मर्स नहीं है, कौलू रैतुलु नहीं है, कौलू रैतु बोल के जो वर्डिज नहीं है हमारा तेलंगाना असेंबली में बोल के बोले सो आप, कल जाके कौलू रैतुओं को भी 10,000 दे तुम बोल के बोला। ये पूरा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 2023 में आने वाला इलेक्शंस को सामने रखते हुए CM साहब ने ये फार्मर्स के लिए कुछ करा बोल के बताने के लिए कोशिश कर रहा, उससे अलावा कुछ भी नहीं है। मैं पॉलिटिक्स नहीं बात कर तुम बोल के उन्होंने पूरा के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर गंदे गंदे बात करना, गालियाँ देने के लिए कोशिश करा, दैट इटसेल्फ इज ए पॉलिटिक्स। सो द पीपल ऑफ तेलंगाना आर मोर एनलाइटेंड पीपल, उन लोगों को समझने में आ रहा आप क्या कर रहा क्या नहीं करना था, उसी लिए जब वक्त मिलता जब लोग आपको सबर सिखाएगा।
कल धरना है, इसके लिए पुलिस परमिशन भी नहीं दे रही है। अगर पुलिस वाला नहीं दिए तो अदालत के पास जाएगा, अपील करने के लिए हमारे के पास एक वक्त है, एक मौका भी है, हम जाके अदालत से परमिशन लेके आते। वी वेलकम द नोटिसेस। हम लोग लीगली का फाइट करने का लीगली पढ़ते, जो लोगों में लड़ना है वो लोगों में लड़ते, चौरस्ता में फाइट करेंगे बोले तो चौरस्ता में करेंगे, अदालत में करेंगे बोले तो अदालत में करेंगे, हम वो नोटिसेस को स्वागत कर रहा। तेलंगाना भाजपा इकाई के अध्यक्ष पंडित संजय कुमार ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है, जिसके लिए उन्हें गुजरात के एक अदालत ने दोषी ठहराया था। तेलंगाना भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संजय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि मोदी उपनाम वाले सभी चोर थे। राहुल गांधी ने न केवल प्रधानमंत्री बल्कि ओबीसी समुदाय का भी अपमान किया था। भाजपा अध्यक्ष ने मांग की कि उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और तुरंत मोदी के साथ साथ ओबीसी वर्ग से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने मांग की कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ओबीसी समुदाय का अपमान करने वाली टिप्पणी के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी इस बात से नाराज थे कि उन्होंने समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस सोचती है कि केवल गांधी परिवार को ही देश पर शासन करना चाहिए। कांग्रेस नेता लोगों को मतदाता के रूप में देख रहे हैं। वे इस बात से नाराज थे कि उन्होंने समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस चाहती है कि गांधी परिवार ही देश में शासन करे। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता जनता को मतदाता के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता भी अदालतों का अपमान कर रहे हैं। वे 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक देश भर में राहुल गांधी की टिप्पणियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। वन मंत्री अलोला इंद्रकरण रेड्डी ने कहा है कि बासर के प्राचीन श्री ज्ञान सरस्वती देवस्थानम को तेलंगाना के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने मधुल विधायक जी वेठल रेड्डी के साथ शुक्रवार को मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आधारशिला रखी है। रेड्डी ने कहा है कि आगम शास्त्र के अनुसार देवी सरस्वती के निवास के जीर्णोद्धार के लिए एक मास्टर प्लान किया गया है, तैयार किया गया था। उन्होंने कहा है कि श्रृंगेरी मठ में पुजारी श्री भारती तीर्थ महास्वामी और उनके उत्तराधिकारी विदुषेखर भारती तीर्थ स्वामी ने योजना का सत्यापन किया और अपनी सहमति दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जल्द ही पुनर्निर्माण का काम शुरू करेंगे। मंत्री अरबेली दियाकर राव ने टिप्पणी की है कि अगर टीएसपीएससी पीपल लीक मामले में लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए तो रेवंत रेड्डी और पंडित संजय को भी जेल की हवा खानी होगी। उन्होंने टिप्पणी की है कि अगर केसीआर और केटीआर पर की गई टिप्पणी साबित नहीं हुई तो उन्हें भी राहुल गांधी की तरह जेल भेज दिया जाएगा। टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक होने के बाद पंडित संजय और रेवंत रेड्डी ने इस बात का आरोप लगाया था कि केटीआर की देखरेख में ही प्रश्न पत्र लीक किए गए थे और परीक्षा में योग्यता प्राप्त करने वाले बीआरएस पार्टी के नेता थे। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य सरकार जानबूझकर सीट से जांच करा रही है और मामले पर पानी फेंकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग की थी। हैदराबाद के अंबरपेट महाकाली मंदिर समिति में चुनाव होगा। इस संदर्भ में अमावरी की सेवा के लिए शकन्ना पैनल के नेतृत्व में आगे आ रहे त्रिशूलम पैनल के मतदाताओं ने अपना कीमती वोट डालकर जीत की अपील की है। हैदराबाद के अंबरपेट महाकाली मंदिर समिति में चुनाव होगा। इस संदर्भ में अमावरी की सेवा के लिए शकन्ना पैनल के नेतृत्व में आगे आ रहे त्रिशूलम पैनल के मतदाताओं ने अपना कीमती वोट डालकर जीत की अपील की है। सिकंदराबाद में हाल ही में हुई आग की घटनाओं को देखते हुए दमकल विभाग जीएचएमसी के कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है। सिकंदराबाद सीटीसी कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने जीएचएमसी पुलिस के साथ संयुक्त रूप से अग्नि सुरक्षा के संबंध में दुकानों का निरीक्षण किया और चेतावनी दी कि अग्नि सुरक्षा का पालन नहीं करने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। व्यवसायियों के साथ अग्नि दुर्घटनाओं की स्थिति में बरती जाने वाली अग्नि सुरक्षा पहलों को समझाया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि कुछ दुकानों में अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं है और उन्होंने देखा है कि दुकानों में अवैध गोदाम रखे जा रहे हैं। दुकानदारों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है क्योंकि अग्नि सुरक्षा का पालन नहीं करने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रास्ता नहीं है, अगर कुछ फायर आग लगे तो खत्म, इधर रास्ता पे लगा दिए ना कि तुम देखो समझ में आ रहा है, ये रास्ता है ना भाई, रास्ता में ऐसे लगा इसको निकल दे उधर लगा लो। हां ये वो निकल अंदर ही देता, आज लगा अंदर ही देता, कल घंटे के बाद बोलते आग 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 लगे तो अब लगे तो क्या होता, ऐसा नहीं होगा। चार एक्सटिंग से लगाना,
रास्ता पे इमीडिएटली इसको निकल देना, ठीक है? ये रास्ते पे पहले तुम लोग मर जाते, इधर ही नहीं निकलते। आजकल देखे ना, फिर कई को ऐसा गलत काम कर रहे हैं, कहाँ की रहता आप लोग, फिर फिर देख देखते हैं। अर्थम चस्ट फस्ट कार्टून बैठ पड़ी दार।